खबर है इस वक्त रीवा से, जहां रीवा में बनकर तैयार हो चुके एयरपोर्ट में चल रहे निर्माण कार्यों की बारिश ने पोल खोल कर रख दी है। बता दें कि बीती रात हुई बारिश के बीच एयरपोर्ट की कई फीट लंबी बाउंड्री धराशायी हो गई, जिसके बाद उसे छिपाने के लिए टीन शेड लगाए जा रहे हैं। बाउंड्री गिरने की घटना आज सुबह की ही बताई जा रही है, जिसके बाद निर्माण एजेंसी इसे दबाने की कोशिश में जुटी है। गौरतलब है कि रीवा को उड़ान देने के लिए मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम के प्रयासों से भव्य एयरपोर्ट लगभग बनकर तैयार हो चुका है। इस एयरपोर्ट के चारों ओर बाउंड्री भी बन चुकी है और अब इसके लोकार्पण की भी तैयारी चल रही है, जो इसी अगस्त माह के अंतिम दिनों में की जानी है। लेकिन लोकार्पण से पहले ही रीवा में कल रात हुई हल्की बारिश के बीच कई फीट लंबी बाउंड्री वॉल धराशायी हो गई। बता दें कि एयरपोर्ट को सुरक्षित रखने के लिए कुछ माह पूर्व ही बाउंड्री का निर्माण कराया गया था, जिसका कुछ हिस्सा हल्की सी बारिश में ढह गया। माना जा रहा है कि जब हल्की बारिश में ही बाउंड्री धराशायी होने लगी तो ज्यादा बारिश में इसका क्या हाल होगा। फिलहाल बाउंड्री का गिरना निर्माण एजेंसी द्वारा किए गए कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठा रहा है, जिसकी पोल हल्की सी बारिश ने खोलकर रख दी है।